पंडित जी से पूछा, एक बात तो बताओ, आप तो बड़े विद्वान हो, यात्रा के लिए मुहूर्त भी देखा जाता है, मुहूर्त तो देख के बताओ जरा, मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, अगर मुहूर्त अच्छा हो तो कदम बढ़ाऊँ, अगर मुहूर्त आजकल का है, कल परसों का है, कुछ देर बाद कोई सुंदर मुहूर्त हो तो जब जाऊँ, मुहूर्त तो देख कर बताओ। अब पंडित जी को तो अपनी जान बचानी थी, व्यास जी को तो कैसे ही पीछा छुड़ाना था। जितनी देर इस डाकू के साथ रहूंगा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई, अगर मेरे मुख से कोई ऐसी गलत बात निकल गई या कुछ और जो इसे अच्छी ना लगे, तो ऐसा ना हो मेरे ही प्राणों का हरण कर ले कन्हैया को बाद में लूटे, जय हो, तो मेरे ही प्राणों को लूट ले। तो अब व्यास जी से पूछा कि कोई मुहूर्त तो बताओ, का इससे सुंदर मुहूर्त है ही नहीं, इससे सुंदर मुहूर्त है ही नहीं, बिना पल गवाए बस तू चला जा। का फिर भी बताओ तो सही क्या मुहूर्त है, मुहूर्त के कुछ लगन कुछ इत्यादि बताओ तो सही, किस दिशा में जाऊं। तो पंडित जी ने कहा कि इस समय चंद्रमा इस यात्रा में आपके दाहिने रहेंगे, मुहूर्त सुनो। क्या उस डाकू को पता होगा ये सब बातें, उस डाकू को क्या ज्ञान ज्योतिष का, लेकिन बस यात्रा करनी है ना, और यात्रा करने के समय कोई वैष्णव कोई संत मिल जाए तो फिर जिज्ञासाएं बनती हैं कि शुभ मंगल पूछ लिया जाए। जब संत मिलन हो जावे, जब संत मिलन हो जावे, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा। कई समय चंद्रमा तेरे यात्रा में आपके दाहिने रहेंगे, अतएव आपको सुख और संपत्ति दोनों की गहरी प्राप्ति हो, बस यही तो मैं चाहता हूं। बस पंडित जी आपने आनंद कर दिया, आपने आनंद कर दिया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुहूर्त पूछ के गोवर्धन डाकू चल दिए हैं श्री धाम वृंदावन की ओर, वही कीर्तन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, कदम वृक्ष यमुना तट गोकुल वृंदावन। और जो वृंदावन धाम का भजन करे उसको वृंदावन ना मिले, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? कन्हैया के नाम का भजन करे ऐसा हो सकता है? और वृंदावन की ओर चला और कन्हैया ने भी क्या दे दिया, कथा ब्याज में श्रवण मार्ग है घुस गए दोनों मन में, कथा ब्याज से श्रवण मार्ग हूं घुस गए दोनों मन में, जैसे भी हो खोज निकालूं कहां छिपे हो वन में। आज उसे ढूंढना ही है। गोवर्धन चल पड़ा पाए पंडित से पता ठिकाना, वृंदावन यमुना तट उनका रहता आना जाना, कृष्ण और बलराम उम्र है मात्र बरस नव दस के, केवल 10 वर्ष के बालक हैं इस समय कृष्ण और बलराम, और मुझसे बच के निकल सके अब बात ना उनके बस में, छोटे छोटे बच्चे ठहरे यूं ही लठ दिखलाऊं और छुई मुई की तरह सुकड़ जाएं, सहज लूट के आऊं, सहज लूट के आऊं। मेरे सामने तो छुई मुई की तरह सुकड़ जाएंगे दोनों बालक। और चल दिया है वृंदावन 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 करते हुए पंडित जी चले, और पंडित जी ने कहा देखो कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है, द्वापर की लीला सुना रहा हूं, कलयुग चल रहा है और ये सोच रहा है कि वर्तमान में भगवान गाय चराने आते होंगे। मैंने द्वापर की लीला सुनाई है, कलयुग का ये समय चल रहा है, काल चल रहा है, और द्वापर के प्रसंग में गाय ठाकुर चराने जा रहे हैं वन में, और ये सोच रहा है कि आजकल भी ठाकुर जी वृंदावन में गाय चराने आते हो, चलो जो भी हो मेरा तो पीछा छूटा। पंडित जी ने भी अपने भावों से पता बताया, लेकिन आज एक डाकू का सद्भाग्य उदय होने वाला था साहब, सद्भाग्य उदय होने वाला। 2 दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वृंदावन नहीं आया, दिन रात चला, जैसा पता बताया था कि कोई नदी होगी उसका नाम यमुना है, यमुना जी के किनारे वृक्ष होंगे, वो कदम के वृक्ष होंगे, ऐसा जैसा बताया ऐसा तो कोई दिखने में आया नहीं। समय होता गया होता गया, संध्या हुई रात हुई, थक हार के सो गया,
मन में उदासी छा गई कि कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। और प्रेमियों रात को थक हार के सो गया और सुबह जब आंख खुली तो देखता क्या है कि वो एक नदी के किनारे लेटा हुआ था। कोई वृंदावन धाम की यात्रा कर ले या ठाकुर जी की ओर कदम बढ़ा ले फिर उसे खुद नहीं चलना पड़ता है। सुदामा जी चले थे सुदामापुरी से द्वारका की ओर, रात भर भी नहीं चल पाया, ठाकुर ने गरुड़ भेज दिया अपना कि मेरे मित्र को ले आओ। ये भी गोवर्धन डाकू चला है वृंदावन की ओर, रात्रि का समय है, थक हार के सो गया, कब मिलेगा कब मिलेगा। लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई सूर्य की नई किरण के साथ गोवर्धन डाकू ने जब देखा आसपास तो श्री यमुना जी बह रही थी, कदम के वृक्ष थे। कोई ग्वाला निकला वहां से और उससे पूछा, भाई एक बात तो बताओ मैं किस जगह हूं, जरा बताओ तो सही इस स्थान का नाम क्या है। कहा कि ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम। ये नदी कौन सी है, कि ये यमुना जी है। अब तो मन में और उत्साह की बिल्कुल सही ठिकाने पे पहुंच गया, अब यहां से हिल के ही नहीं जाना। पंडित जी ने कहा था यमुना जी के किनारे वनों में ये गाय चराने आते हैं दोनों बालक, बस अब तो यहीं किनारे बैठ के उनकी प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है। सुबह हुई शाम हुई कन्हैया नहीं आए, फिर ध्यान में आया अरे वो तो कहीं जगह गाय चराने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आज गोकुल चले गए हो, महावन चले गए हो, इधर उधर चले गए हो। कहा लेकिन कहां कहां ढूंढूंगा, पंडित जी ने बहुत ठिकाने बता दिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वृंदावन रोज आते हैं इसलिए कहीं और नहीं जाना, अब तो केवल वृंदावन में बैठ के ही उन बालकों की प्रतीक्षा करनी है। और गोवर्धन डाकू प्रतीक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद से कि तू मुझसे बच नहीं सकता है, अगर तू मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूँ, अगर तू आने में देरी करेगा तो मैं भी प्रतीक्षा के लिए चाहे पूरा जीवन बीत जाए लेकिन तुझे लूटे बिना नहीं जाऊंगा। दृढ़ संकल्प ले लिया और गोवर्धन डाकू ठाकुर की प्रतीक्षा करने लगे, कहने लगे